दोस्तों लास्ट एपिसोड में आपने देखा था हम लोग श्रीनगर पहुंचे थे और श्रीनगर के मार्केट को घूमते हुए फाइनली डल गेट यानी डल झील के पास पहुंचे थे। अभी हम डल झील के पास ही खड़े हैं और आज हम आपको इस एपिसोड में पूरा श्रीनगर घुमाएंगे। आपको कहाँ स्टे करना चाहिए, होटल में कितना खर्चा होगा, हाउस बोट में अगर स्टे करना है तो वहाँ कितना खर्चा होगा, डल झील कैसे घूम सकते हैं, शिकारा बोट में कितना खर्चा होता है, सब चीज़ें एवरीथिंग ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ आप घर बैठे हमारे साथ डल झील घूम सकते हैं, शिकारा राइड कर सकते हैं, ऐसा अनुभव होगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। और कैसे मात्र 200 रुपए में आप श्रीनगर घूम सकते हैं वो सारी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए आज घूमते हैं श्रीनगर। दोस्तों इस वक्त हम उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां से डल लेक में आप शिकारा राइड करने के लिए जा सकते हैं। ये सामने रोड है, ये सीधा रोड सोनमर्ग के लिए निकल जाता है और लेफ्ट हैंड पर ये डल झील है। डल झील में आप ये जितनी भी बोट देख रहे हैं ना, इन्हीं को शिकारा बोट बोला जाता है। सामने कुछ होटल्स मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं तो इन होटल्स में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा कश्मीर श्रीनगर आने के बाद। आप इन बोट्स के जरिए डल झील में घूमने जा सकते हैं। डल झील में घूमने का फायदा ये होता है कि आप डल झील में घूमते घूमते ही श्रीनगर की काफ़ी सारी साइट्स को विजिट कर सकते हैं। कितना चार्जेस रहेगा शिकारा बोट में वो सारी डिटेल्स आपको हम इस एपिसोड में देंगे, तो वीडियो को अभी पूरा देखिएगा। बहुत खूबसूरत होती है ये शिकारा बोट और बहुत कंफर्टेबली आप इसमें बैठ के डल झील को एंजॉय कर पाएंगे। तो पहले चलते हैं शिकारा बोट में, शिकारा बोट में बैठते हैं और बाकी की जानकारियाँ आपको डल झील घूमते घूमते देंगे। तो दोस्तों हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम बैठे हैं शिकारा बोट में, डल झील में बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये साइड में सब देख रहे हैं आप लोग, ये सब हाउस बोट है, यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। हाउस बोट में अलग अलग चार्जेस हैं, 1500, 2000, 2500, 3000, अलग अलग रेंज में आप यहाँ स्टे भी कर सकते हो। Thank you.
आने के बाद, श्रीनगर आने के बाद डल झील में एंजॉय कर सकते हैं। डल झील में घूमना, यहाँ की शिकारा बोट में घूमना बहुत अलग और यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीनगर की डल झील कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है और करीब 24 स्क्वायर किलोमीटर में ये झील फैली हुई है। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत खूबसूरत। ये जो पत्ते हैं वाटर लिली अच्छा, के हैं, एक दिन में सुखी रात को दुखी, ये नीचे जो है इसे कहते हैं वाटर लिली। अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं, ये जो आप लेफ्ट हैंड पर देख रहे हैं ना, ये है लिली गार्डन। ये दिन में खिल उठते हैं और रात में मुरझा जाते हैं, इसलिए इसको दिन में सुखी और रात में दुखी के नाम से जाना जाता है। झील की गहराई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम झील की गहराई 20 फीट तक है और कुछ जगहों पर 5 फुट 6 फुट तक भी है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी शिकारा बोट आसपास में चल रही हैं। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, किसी नॉर्मल बोटिंग से, पैडल बोटिंग जो हम करते हैं नैनीताल में, मसूरी में, उनसे एकदम यूनिक है, एकदम डिफरेंट है। और लेफ्ट हैंड पर आप जो देख रहे हैं यहाँ कुछ दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर झील के ऊपर ही खेती की जाती है, कैसे होती है वो आपको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले आप पीछे वाले बंदे को शूट, ये यहाँ का राष्ट्रपाल है। हाँ, रमजान भाई पूरा सेट है कान का गले का सा। देखिए दूसरा आता है इस टोपाज में, ये देखो कितना शानदार चीज है, कितना मस्त चीज आते हैं, यहीं पर बैठ के बनाते हैं। छोटे छोटे गिफ्ट आइटम होते हैं मेरे भाई। एक स्टोन में आता है ऐसा 150 का ओनिक्स। आजकल तो यही चीजें डालते हैं, आजकल सोना चांदी कौन डालता है मेरे भाई, सारा आजकल इमिटेशन का ही होता है। और एक दूसरा ये भी आता है क्रिस्टल में, ये देखो मेरे भाई। और एक ब्लैक आता है गनमेटल कलर, सबसे शानदार कलर आता है, ये देखो मेरे भाई मस्त कलर आता है। ये सारा जो धागा होता है ना, ये सारा थ्रेड वाला धागा होता है, जो आपको मछुआरे लगाते हैं ना पानी के अंदर, ये वही धागा होता है, थ्रेड वाला धागा। और एक दूसरा ये भी आता है मेरे भाई, वॉलनट का आता है, अखरोट की लकड़ी जो आती है ना, ये उसी चीज़ से बनाया जाता है। 250 का पूरा सेट आता है कान के गले का। छोटे छोटे आइटम होते हैं मेरे भाई, मूड बना लो इन चीज़ों के। क्या चार्ज है सर? 150 का। 150 और 250 वाले सर, पकड़ना एक शानदार चीज़ होता है। इनके पूरे सेट में क्या क्या है? सबके साथ कान के आएंगे साथ में मेरे भाई। ये देखिए सर, सबसे बढ़िया चीज़ है, बना लो मूड। ये तो आजकल तो यही चीज़ें डालते हैं मेरे भाई। तो शिकारा बोट में घूमते वक्त इस तरह से शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा लगा, ये मैं बता भी रहा था। हाँ सर। ये लीजिए सर, मार्केट में घूमने की जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल, बरोबर, सबसे बढ़िया। और कुछ? ओके सर, हैव अ नाइस टाइम। डल झील तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ पर मौजूद है कुछ हाउस बोट, वो सामने जो आप नज़ारे देख रहे हैं ना, वो है यहाँ का लोटस गार्डन। डल झील में चार अलग अलग झील आकर मिल जाती हैं। उन चारों झीलों के नाम हैं गगरीबल, लोकट डल, बोट डल और नागिन झील। ये चारों झील आकर ही डल झील में मिलती हैं, इसलिए बहुत बड़ी झील है श्रीनगर की डल झील। अभी हम लोग डल लेक के गोल्डन लेक पॉइंट पर पहुँच चुके हैं और यहाँ जितनी भी शिकारा बोट हैं सब लग्जरी हैं और इनके प्राइजेस भी थोड़े ज़्यादा हैं। और यहाँ से जो खूबसूरती दिख रही है डल लेक की, वो भी अल्टीमेट है और बहुत ज़्यादा है, इसीलिए चार्जेस भी यहाँ पर शिकारा बोट के ज़्यादा हैं और इस जगह को गोल्डन लेक बोलते हैं। और बहुत बड़ी है वैसे डल झील, इसीलिए जगह जगह अलग अलग नाम उसके रखे गए हैं। झील के बीच बीच में ना बहुत से टापू बने हुए हैं, बहुत से द्वीप बने हुए हैं।
ये झील के ऊपर हैं और ये झील के ऊपर तैर रहे हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है और इसी पर ही यहाँ पर सब्जियों की खेती भी की जाती है ना, एकदम यूनिक सी चीज़ है। अंदर गांवों में ज़मींदार लोग खीरा कद्दू टमाटर का सब्जी उगाते हैं, वो नाव से आते हैं, इसमें बीज डालते हैं। अच्छा। गांव में तो इसके ऊपर सब्जी, जब इसमें सब्जी बनता है फिर नाव से आते हैं तोड़ के ले जाते हैं। ओके। इसे फ्लोटिंग गार्डन कहते हैं इंग्लिश। फ्लोटिंग गार्डन, हाँ ये है फ्लोटिंग गार्डन। और ये जो घास आप देख रहे हैं ये ज़मीन नहीं है, ये झील के ऊपर ही तैर रही है, इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। बहुत बड़ी झील है, आप घंटों यहाँ